हज यात्रा के लिए महाराष्ट्र से जाने वाले तीर्थ यात्रियों को हज समिति द्वारा यात्रा के लिए निर्धारित शुल्क पर नागपुर या मुंबई एयरपोर्ट दो विकल्प दिए गए। हालांकि नागपुर हवाई अड्डे का विकल्प चुनने वाले हज यात्रियों से 63,000 रुपये का अतिरिक्त शुल्क लिया जा रहा है, इसलिए हज यात्रियों पर अतिरिक्त शुल्क का बोझ डाला जा रहा है। लेकिन विधानसभा में विपक्ष के नेता अजित पवार ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को पत्र लिखकर इन अतिरिक्त शुल्कों में छूट की मांग की है। हज यात्रा के लिए महाराष्ट्र से जाने वाले तीर्थ यात्रियों को हज समिति द्वारा यात्रा के लिए निर्धारित शुल्क पर नागपुर या मुंबई एयरपोर्ट दो विकल्प दिए गए। हालांकि नागपुर हवाई अड्डे का विकल्प चुनने वाले हज यात्रियों से 63,000 रुपये का अतिरिक्त शुल्क लिया जा रहा है, इसलिए हज यात्रियों पर अतिरिक्त शुल्क का बोझ डाला जा रहा है। लेकिन विधानसभा में विपक्ष के नेता अजित पवार ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को पत्र लिखकर इन अतिरिक्त शुल्कों में छूट की मांग की है। हज यात्रा के लिए महाराष्ट्र से जाने वाले तीर्थ यात्रियों को हज समिति द्वारा यात्रा के लिए निर्धारित शुल्क पर नागपुर या मुंबई एयरपोर्ट दो विकल्प दिए गए। हालांकि नागपुर हवाई अड्डे का विकल्प चुनने वाले हज यात्रियों से 63,000 रुपये का अतिरिक्त शुल्क लिया जा रहा है, इसलिए हज यात्रियों पर अतिरिक्त शुल्क का बोझ डाला जा रहा है। लेकिन विधानसभा में विपक्ष के नेता अजित पवार ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को पत्र लिखकर इन अतिरिक्त शुल्कों में छूट की मांग की है।